यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं सोनिया सतानीता आप सबका स्वागत करती हूं मेरे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में नेशनलिज्म के जोश के बारे में। लगातार बन रही बायोपिक्स और राजनीति से सरोकार रखने वाली फिल्में एकदम ही क्यों बनी? चुनावी खेल में ये फिल्में पूरी तरह हथौड़ा साबित होंगी या नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन सवाल ये है कि एकदम बॉलीवुड को पॉलिटिकल और बायोपिक्स का रंग कैसे चढ़ा? क्या सब कुछ सोचा हुआ, समझा हुआ और तय किया हुआ है, या फिर ये कह लें कि आज का दर्शक मसाला नहीं बल्कि फैक्चुअल फिल्में देखना पसंद कर रहा है? ठाकरे मणिकर्णिका एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी पर आने वाली दो बायोपिक, एक में विवेक ओबेरॉय मोदी बनेंगे तो दूसरी में परेश रावल, और वहीं एनटीआर की बायोपिक रजनीकांत की पेटा काला थलेवा भी। इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश लिए इतनी फिल्में रिलीज हुई हों। ज्यादातर फिल्में बायोपिक हैं, जाहिर है कि इनकी कहानी किसी खास किरदार का महिमा मंडन है, जैसा संजय दत्त की बायोपिक संजू में हुआ था। खुद राजकुमार हिरानी ने ये माना था कि उन्होंने संजय दत्त के जीवन के कुछ उन पहलुओं को छुआ था जिससे उनकी अच्छी छवि जनता में दिखाई दे सके। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल भी गई हैं। उरी ने 138 करोड़ रुपए का बिजनेस किया तो इसकी कमाई अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की कमाई से आगे निकल जाएगी फिल्म। 22 करोड़ के बजट में बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने 30 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ अपनी बढ़ोतरी की है। एक और रिलीज फिल्म ठाकरे ने 2 दिन में करीब 15 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और इसी के साथ संजू फिल्म 341 करोड़ रुपए कमाकर 2018 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। इन फिल्मों की सफलता की वजह क्या है, आपको बताते हैं कि आंकड़े। लोग अब अर्थपूर्ण सिनेमा देखना चाहते हैं। वो वक्त चला गया जब फिल्म मेकर्स मसाला फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर नोट बटोरने का शॉर्टकट मानते थे। 2018 में तीनों खान्स की मसाला फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ना चलना इसी बात का संकेत है, जबकि बायोपिक्स ने धुआंधार कमाई करके ये बता दिया है कि जनता ने इन्हें हाथों हाथ क्यों लिया। इस साल का सबसे बड़ा डायलॉग हाउस द जोश रहा, और ये साल का सबसे बड़ा डायलॉग बनने की वजह ये भी है कि व्यूवर्स जोश में हैं और वो फिल्मों के जरिए नई जानकारी के लिए उत्साहित हैं। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार भी 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें इमरजेंसी के वक्त की कहानी दिखाई गई थी। इस फिल्म को लोगों ने उतना ज्यादा पसंद नहीं किया था। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी थलेवा काला और हाल में रिलीज हुई फिल्म पेटा में हिंदुत्व के कुछ एजेंडों की आलोचना करते हुए डायलॉग्स बोलते दिखे। एनटीआर पर बन रही बायोपिक भी दक्षिण में चुनावी माहौल गर्माने की कोशिश करेगी। साफ है कि फिल्मों के माध्यम से अपना एजेंडा सेट करने में पॉलिटिकल पार्टियां भी लगी हैं। रजनीकांत भी ऐसे में राजनीति में आने का बिगुल फूंक चुके हैं, तो जाहिर है अपने फैंस तक फिल्मों के जरिए वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी बॉलीवुड में भी चल रही है। पिछले 5 साल में बॉलीवुड भी तो बदला है। एक वक्त में तीनों खान्स के क्रियाकलापों से संचालित होने वाली इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक के लिए नए नायक आ गए हैं। इनकी फिल्मों ने लगातार सफलता के झंडे गाड़ कर ये दिखा दिया है कि अब ये वो पुराना बॉलीवुड नहीं है जिसके लोगों को भारत में डर लगता था। सरकार भी बॉलीवुड की समस्याओं से पहले से ज्यादा सरोकार रखती हुई दिखाई दे रही है। 2 महीनों में बॉलीवुड ने 2 बार सीधे पीएम मोदी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, जिनका समाधान भी हुआ। जीएसटी रेट टिकट्स पर कम हो गए, फायदा सीधा बॉलीवुड की जेब में गया। भारतीय सिनेमा का नया म्यूजियम बना जिसका उद्घाटन मोदी ने किया, और पूछ लिया कि हाउस द जोश, और जिसका जवाब भी उन्हें बॉलीवुड ने दिया, हाई सर। जाहिर है कि बॉलीवुड जोश में है। एक तरफ सरकार में उनकी सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ व्यूवर्स भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा लूट रहे हैं। नई कहानी ये भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आकर यहाँ पर जो धमाका किया है उससे बॉलीवुड को नया जोश मिला है। खासकर वो स्टार्स जो फिल्मों में एंट्री के लिए संघर्ष करते रहते थे, उन्होंने अपनी सफलता की नई कहानी लिख दी है। बॉस, सीक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, रंगबाज और कौशिकी से लेकर दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स के शोज को लोग अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं। कई के तो दूसरे सीजन तक आ चुके हैं। इसी जोश से देश फिर से अपनी नई सरकार चुनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में रिलीज हो चुकी या आने वाली फिल्में क्या चुनावों पर असर डालेंगी, ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है। और इसके जवाब में कहा जा सकता है कि इतिहास पर गौर करने से पता चलता है कि राजनीतिक ड्रामा से भरी फिल्में साल से ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती रही हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। इस बार लाइनअप चुनाव से एन पहले का है, तो
किसी भी एक पार्टी का कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट इस फिल्मों को कहा जा सकता है। दूसरा, अगर उसमें फेल हो रहा है तो वो ये सोचे कि उसका ध्यान बॉलीवुड की बायोपिक्स पर क्यों नहीं गया है।